नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताज़ा दाम। तो दोस्तों आज हो चुकी है 29 जनवरी 2021, दिन हो चुका है शुक्रवार का। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको रोज ऐसे ही काम की खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरों में LPG गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खबर आई है। आपको बता दें कि 31 जनवरी तक आप फ्री में LPG गैस सिलेंडर ले सकते हैं, इसको लेकर बड़ी खबर है, हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देश में चल रहे कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर भी बड़ी खबर आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से कुछ बड़े ऐलान किए गए। साथ ही मैं आपको बता दें कि 1 फरवरी 2021 को देश का केंद्रीय बजट लॉन्च होने वाला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी देश का केंद्रीय बजट लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें कई बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही में भारतीय रेलवे और बैंक के कामकाज को लेकर कुछ बड़े अपडेट है। जानेंगे इन तमाम बड़ी खबरों को, बने रहिएगा हमारे साथ में, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना आपका समय गवाए ले चलते हैं आपको पहली बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों देश में चल रहे कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ी खबर, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान सामने निकल कर आ रहा है कि COVID-19 वैक्सीनेशन में देश के 191 जिले हुए कोरोना से मुक्त, अब तक 28 लाख लोगों को दी गई वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए मामलों में कमी के साथ ही देश के कई जिले कोरोना से मुक्त होने लगे हैं। अभी तक 191 ऐसे जिले हैं जिनमें पिछले 7 दिनों के अंदर कोरोना का एक भी केस सामने नहीं आया है, जो कि हमारे लिए काफी अच्छी बात है। भारत महज 11 दिनों में कोरोना की वैक्सीन देने वाले देशों में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। साथ ही में दोस्तों अच्छी खबर तो यह भी है कि कोरोना के मामलों में कमी के साथ में भारत में टीकाकरण का जो अभियान है वो भी रफ्तार पकड़ चुका है। पिछले 11 दिनों में भारत में 28 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी गई है। चलिए तो इसी के साथ में आज की अगली खबर है, ट्रेनों में आपकी प्राइवेसी का रेलवे रखेगा ख्याल, स्मार्ट विंडो का बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, भारतीय रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस कर रहा है, और इसी दिशा में अब रेलवे ने स्मार्ट विंडो सिस्टम लगाने का फैसला किया है, जो कि प्राइवेसी और कम्फर्ट पर फोकस करेगा। और इसकी शुरुआत नई दिल्ली हावड़ा राजधानी से शुरू हुई है, जिसमें फर्स्ट क्लास AC डिब्बों में स्मार्ट विंडो लगाई जाएगी। यानी कि स्मार्ट विंडो लगने के बाद में ट्रेन के भीतर लाइट बंद करने के बाद में बाहर से कोई भी रोशनी नहीं आ पाएगी, और ना ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई भी व्यक्ति आपके कंपार्टमेंट में ताक झांक कर पाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रास्ते में तमाम तरह की लाइटें आने से लोगों को परेशानी होती है, लेकिन एक बार स्मार्ट विंडो सिस्टम को ऑन कर दिया जाएगा तो न ही बाहर की कोई रोशनी अंदर आ पाएगी और ना ही अंदर की रोशनी बाहर जा पाएगी। इस तरह की जो स्मार्ट विंडो है वह रेलवे के द्वारा सभी डिब्बों में आने वाले समय में सभी कोच में लगाई जाएगी। फिलहाल इसकी शुरुआत नई दिल्ली हावड़ा राजधानी में हुई है। चलिए तो बजट को लेकर आज की अगली खबर है, फर्नीचर टीवी के सामान जूते चप्पल महंगे होंगे, दर्जनों प्रोडक्ट पर बढ़ सकती है कस्टम ड्यूटी। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1 फरवरी को भारत का केंद्रीय बजट लॉन्च होने वाला है, जिसमें कई तरह की सरकार की ओर से कई सामानों के ऊपर छूट छाट भी दी जा सकती है, तो कई सामानों के ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, कई चीजें महंगी भी हो सकती है। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार इस बजट में दर्जनों प्रोडक्ट पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ा सकती है। यानी कि भारत में बाहरी देशों से जो सामान लाया जाता है उनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, ताकि लोग बाहरी सामानों को खरीदने के बजाय मेक इन इंडिया के सामान का इस्तेमाल करें। और इसका असर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट होंगे वे महंगे हो जाएंगे, क्योंकि सरकार इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने वाली है। सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पूरी तरह से लोकल बाजार या कंपनियों को बढ़ावा देना चाहती है। यहाँ पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार उन चीजों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ा सकती है जो कि बाहर से आयात किए जाते हैं, लेकिन अपने देश में भी मैन्युफैक्चरिंग किए जा सकते हैं, जो कि जरूरी चीजों के दायरे में भी नहीं आते हैं, जैसे कि जूते चप्पल, फर्नीचर, टीवी के आइटम्स हो गए, केमिकल्स और खिलौने, ऐसे सामानों के ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी को सरकार बढ़ा देगी। हालांकि इसका असर आम आदमी की जेब पर भी पड़ेगा। चलिए तो LPG गैस सिलेंडर को लेकर एक अच्छी ऑफर है, 31 जनवरी तक फ्री में बुक कर सकते हैं LPG सिलेंडर, जानिए इस खास ऑफर के बारे में। जी हां दोस्तों, अगर आप भी अपना LPG सिलेंडर फ्री में बुक करवाना चाहते हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है। 31 जनवरी से पहले LPG बुक करने पर फ्री में आपको गैस सिलेंडर की डिलीवरी हो सकती है। इस खास ऑफर के तहत जितने रुपए आपके गैस सिलेंडर की कीमत के होंगे उतने रुपए आपको वापस भेज दिए जाएंगे। दरअसल दोस्तों ये एक तरह की ऑफर है, मोबाइल वॉलेट कंपनी प्लेटफॉर्म पेटीएम अपने ग्राहकों को यह ऑफर दे रहा है, और इस ऑफर के तहत ग्राहकों को बस एक बार पेटीएम के जरिए गैस सिलेंडर बुक करना होगा। पेटीएम का यह ऑफर सभी कंपनियों के गैस कनेक्शन पर मिलेगा,
और इस ऑफर का फायदा सिर्फ उन लोगों को दिया जाएगा जो कि पहली बार पेटीएम से गैस सिलेंडर की बुकिंग कर रहे हैं। यानी कि अगर आप पेटीएम से गैस सिलेंडर बुक करते हैं तो आपको 700 रुपए तक का कैश बैक मिलता है और ये ऑफर 31 जनवरी 2021 तक के लिए वैलिड है। चलिए तो बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। तो फरवरी में बैंक जाने से पहले चेक कर ले छुट्टियों की लिस्ट, जाने कितने दिन बंद रहेंगे बैंक। जी हाँ दोस्तों, फरवरी का महीना शुरू होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि फरवरी के महीने में बैंक से जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज आप करने जा रहे हैं तो आपको बता दें कि फरवरी के महीने में कुल 8 बैंक की छुट्टियां रहने वाली है। कई राज्यों के धार्मिक त्यौहार होने की वजह से भी बैंक की छुट्टियां रहती है, जैसे कि 12 फरवरी 2021 को शुक्रवार का दिन है, सोनम लोसार का सिक्किम में त्यौहार मनाया जाता है तो ऐसे में वहां पर बैंकों की छुट्टियां रहती है, 13 फरवरी को दूसरा शनिवार है, 15 फरवरी को सोमवार लुई नगाइनी यानी कि मणिपुर का एक त्यौहार है, 16 फरवरी को मंगलवार वसंत पंचमी, हरियाणा उड़ीसा पंजाब त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में खास करके बैंक बंद रहेंगे, 19 फरवरी को शुक्रवार छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती होने की वजह से महाराष्ट्र में बैंक बंद रहेंगे, इसी तरह से 20 फरवरी को शनिवार है और शनिवार यानी कि अरुणाचल और मिजोरम में स्टेट डे मनाया जाता है इसलिए वहाँ पर बैंक बंद रहेंगे, 26 फरवरी को शुक्रवार हजरत अली जयंती होने से उत्तर प्रदेश में बैंक बंद रहेंगे, 27 फरवरी को चौथा शनिवार होने की वजह से और गुरु रविदास जयंती चंडीगढ़ में बैंक बंद रहेंगे, हिमाचल प्रदेश हरियाणा और पंजाब में बैंक बंद रहेंगे। चलिए तो सरकारी नौकरी को लेकर बड़ी खबर है, जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट पदों पर निकली भर्तियां, 19 फरवरी तक करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकली है और इसके तहत जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट के 16 पदों पर नियुक्तियां निकाली गई है। अधिक जानकारी आपको IOCL की वेबसाइट इंडियन ऑयल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगी। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा या फिर BSc मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में होना चाहिए, इस तरह की डिग्री होनी चाहिए। चलिए तो अब जानते हैं भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी का दाम। सबसे पहले जानते हैं 22 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,780 रुपये प्रति 8 ग्राम का, 38,240 रुपये प्रति 10 ग्राम का, 47,800 रुपये प्रति 100 ग्राम का, 4,78,000 रुपये 22 यानी कि 22 कैरेट गोल्ड की प्राइस चल रही है। बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,880 रुपये प्रति 8 ग्राम का, 39,040 रुपये प्रति 10 ग्राम का, 48,800 रुपये 100 ग्राम का, 4,88,000 रुपये 24 यानी कि 24 कैरेट सोने का दाम चल रहा है। साथ ही में दोस्तों बात करें भारत के बड़े शहरों में 22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने का दाम, तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन के ऊपर दी गई है। इसी के साथ में बात करें चांदी के दाम की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी का भाव 66,000 रुपये पर पहुंच चुका है। चांदी के भाव में 200 रुपये की गिरावट देखने को मिली है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। आपको इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताना है और इसके बाद में इस वीडियो को लाइक करना है। तो दोस्तों यह था आज का सोने चांदी का ताजा दाम और कुछ काम की बड़ी खबरें। इसी तरह से काम की खबरों को प्राप्त करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।